समर्थ श्रीवास्तव लगातार आप सभी दर्शकों तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। समर्थ, पुलिस को हमने सुना कि एफएसएल की टीम आएगी, सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया जाएगा, किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी और कब पहुंचेगी एफएसएल की टीम, क्या जानकारी है इस पर? देखिए, इस वक्त एफएसएल की टीम कभी भी यहां पर पहुंच सकती है, हमारी मौजूदगी एकदम घर के बाहर ही है और यहां पर जो है पुलिस की टीम कब पहुंचेगी ये, क्योंकि पुलिस का जो स्टेटमेंट आया है उन्होंने भी साफ कर दिया है कि प्रथम दृष्टया पुलिस के मुताबिक जो है ये खून के ही निशान है। हालांकि कितने पुराने हैं ये जरूर विषय है जांच का और ये भी जल्दी ही पुलिस तफ्तीश में सामने आएगा। आशुतोष, पर जो चीजें सामने आ रही हैं, जो एफएसएल की टीम है वो ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकती है और जिसके बाद यहाँ पर एक कार्रवाई शुरू होगी और उसी के साथ एक्शन आप मान सकते हैं, चीजें और सामने आ सकती हैं। हालांकि कोई भी जिस तरह के अंदेशा लगाया जा रहा है, बॉडी रिकवर यहां से नहीं हुई है। बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखें समर्थ। जल्दी से हमारे साथ अरविंद ओझा भी जुड़े हुए, हमारे सहयोगी, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। अरविंद, क्या आपको जानकारी मिल रही है, पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि बहुत सारे अभी बेंच फंसे होंगे, जांच होगी, जांच के बाद सब कुछ होगा, लेकिन एफएसएल की टीम कब पहुंचेगी, क्योंकि पुलिस के शीर्ष अधिकारी कह रहे हैं कि एफएसएल आने वाली है? नहीं, एफएसएल की टीम आने वाली है, लेकिन मैं कुछ कहूं इससे, मैं अच्छा है मैं तस्वीर दिखाऊं। ये देखिए, ये मेन सड़क है, जरा दिखाइएगा प्रदीप गुप्ता, ये मेन सड़क आपको दिखाई दे रही है, ये मेन सड़क के एकदम चलती सड़क है, इस सड़क के ठीक बगल में ये कार्यालय है जो खंडहर है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह के लोग आए होंगे, खून किसका होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो, क्योंकि पूरी ये चलती हुई सड़क है, अगर कोई अंदर बाहर जाता है तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। और अमूमन यहाँ पर मीडिया कर्मी ही आ रहे थे लगातार रिपोर्ट करने के लिए, और कोई भी शख्स नहीं आ रहा था। फिर मैं आपको कहूंगा, जरा ये देखिए कि ये दफ्तर है कहाँ, फ्लाईओवर है सामने, नीचे लोग रहते हैं, चलती फिरती सड़क है और चलती फिरती सड़क के ठीक किनारे पर ये अतीक का दफ्तर है, और जब से ये पूरा हत्याकांड हुआ है इस दफ्तर में अमूमन मीडिया कर्मी ही आते हैं और बाहर पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, तो ऐसे में ये खून के डब्बे किसके हैं ये इसकी जांच की जाएगी, और आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, पुलिस का कहना है कि जल्दी सीसीटीवी कैमरा स्कैन किया जा रहा है, ये क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कौन आया, कौन बाहर गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अतीक से जुड़े लोग आए, क्योंकि अभी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और ये तो सबसे अहम ठिकाना है, कार्यालय है, तो यहाँ अतीक से रिलेटेड, अतीक से जुड़े कोई शख्स यहाँ पर आए, इसकी एक तरीके से इसकी जो संभावना है लगभग ना के बराबर है। बहरहाल खून के धब्बे मिले हैं, पुलिस जांच कर रही है कि खून के धब्बे किसके हैं और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। शुक्रिया अरविंद, आप हमारे साथ बने रहे और समर्थ आपका भी बहुत शुक्रिया।